हाय फ्रेंड, आई एम अभिषेक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवेडुकेशन। तो हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है आपस में ईच अदर इन सच अ वे दैट वन ऑफ एंगल्स फॉर्म, जिसमें एक एंगल फॉर्म होगा जिसका मेजर कितना होगा 90 डिग्री होगा, so that each of remaining angles measure 90 degree, जो remaining angle होगा वो 90 degree होगा। देखिए इसे हम प्रूव करके दिखलाते हैं। मीन्स कह रहा कि दो कर सकते हैं, दो स्ट्रेट लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट करता है, दो स्ट्रेट लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करता है। देखिए इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन हो गया, आपस में क्या कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा, गॉट इट, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, दो स्ट्रेट लाइन है जो आपस में क्या कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा, कुछ इस तरीका से। तो ये आपको मार्क कर देता हूं, इस तरह से कुछ लाइन है जो आपस में क्या करता है, इंटरसेक्ट कर देता है। इसको ए नाम दे देते हैं और इसको नाम बी दे देते हैं, इसको नाम सी देते हैं और इसका नाम डी दे देते हैं। चलो ठीक है, ये तो समझ में आया। जिसमें से बोल रहा है कि इंटरसेक्ट करता है इन सच वे वन ऑफ द एंगल जो फॉर्म होता है 90 डिग्री, जो इसमें एक एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये एंगल को क्या मान सकते हैं, इस एंगल को हम एक्स मान सकते हैं ना, इस एंगल को क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, ये जो 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितना होगा, एक्स होगा। चलो आप देखते हैं सॉल्यूशंस करेंगे, सॉल्यूशंस में क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन। देखिए यहां पर फ्रेंड, यहां पर क्या करेंगे, ये आपको लिख सकते हो, जब दो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपको पॉइंट मान लेता हूं ए ओ बी, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हमारा एक्स डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, क्या करेंगे, लिखेंगे ए ओ सी, लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल क्या, इक्वल आपको दिया हुआ 90 डिग्री, तो ये दे चुका है गिवन में, ये दे चुका है। तो चलेंगे सिंपल सा कि ए ओ सी, आपको सिंपल है ए ओ सी, तो लिखेंगे ए ओ सी प्लस एंगल क्या चलेंगे, बी ओ सी, बी ओ सी कितना दिया हुआ, मीन्स ए ओ सी और बी ओ सी, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा, तो स्ट्रेट लाइन में जानते 180 डिग्री होता है, तो यहां पर सिंपल से क्या करोगे 180 डिग्री, तो कैसे, तो बाय लिनियर पेयर भी लगा दो, बाय लिनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से हुआ, ठीक है, लिनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से। तो ए ओ सी, ए ओ सी कितना दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ, बी ओ सी यानी कि बी ओ सी एक्स डिग्री दिया हुआ, और भी क्या कर सकते हैं 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और भी कर सकते हो एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, कितना आया 90 डिग्री आया, राइट फ्रेंड। अभी देखिए यहां पर और सारे एंगल को निकाला, ए तो पता हो गया, ए भी पता हो गया, इस एंगल को भी निकाला, इस एंगल को भी निकाला, तो चलेंगे अगेन, अगेन चल सकते हैं, अगेन में क्या करोगे आप, देखिए तो ये आपको निकल गया, ये आपको निकल गया, तो ये भी तो निकला ना, तो लिख सकते हो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ डी, लिख सकते हैं ए ओ डी, कैसे, तो यहां पर लिख सकते हो वाई वर्टिकल वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से हुआ, कैसे, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से हुआ, तो एंगल लिख सकते हो बी ओ सी यानी कि बी ओ सी, देखिए यहां पर ये कितना एंगल था, एक्स वाला 90 डिग्री आया, तो ये भी एक्चुअली कितना हो जाएगा एंगल, एंगल जो हो जाएगा आपको एंगल ए ओ डी, देखिए यहां पर तो ए ओ डी कितना हो जाएगा, ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट फ्रेंड। और उसके बाद ए वाला एंगल को गेन करना, ये तो गेन हो गया ए वाला एंगल को, तो और फिर लिख सकते हो आप, और भी लिख सकते हो, तो और क्या करेंगे हम, यहां पर देख सकते हो, यहां पर लिखेंगे एंगल एंगल ए ओ सी, यानी कि लिख सकते हो ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, कैसे, तो ये भी लिख सकते हैं बाय वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से हुआ, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से हुआ,
एओसी, एओसी 90 डिग्री है तो लिखेंगे एंगल बी ओ डी अफकोर्स ये भी 90 ही डिग्री का हो जाएगा। ये आपको देख सकते हो, हेंस ये कह सकते हो हेंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।